अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारे पास सेट है रेडमी का नोट 13, और ये दोस्तों ये आप चेक कर सकते हैं, ये पिन लॉक के ऊपर ठहरा हुआ है। अगर ये आपका सेट पिन लॉक, पैटर्न लॉक, सिक्योरिटी लॉक के ऊपर ठहर जाता है तो आप इसको इस तरह हार्ड रीसेट कर सकते हैं विदाउट पीसी। लेकिन आपने वीडियो को कम्प्लीट देख लेना, ये आप चेक कर सकते हैं, ये सिक्योरिटी लॉक के ऊपर ठहरा हुआ है। आपने क्या करना है, आपने पावर बटन और वॉल्यूम अप बटन दोनों को आपने इकट्ठे प्रेस करना है, तो ये यहाँ से ऑफ़ होगा, ठीक है, यहाँ से ये ऑफ़ नहीं होगा। अब आपने वॉल्यूम अप और पावर बटन को इकट्ठे प्रेस करके यहाँ से आपने पावर ऑफ़ कर लेना है सेट। जैसे ही सेट ऑफ़ होगा, आपने फिर वॉल्यूम अप और पावर बटन दोनों बटनों को आपने इकट्ठे प्रेस करना है। जैसे ही आप इनको इकट्ठे प्रेस करेंगे, जैसे ही ये MI लोगो पर आएगा, आपने इन बटनों को छोड़ देना है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, ये मेन मेन्यू के ऊपर आ गया। आपने यहाँ से वाइप डाटा कर देना है, और ये इसका जितना भी डाटा वो सारा का सारा डिलीट हो जाएगा। और अगर दोस्तों ये आपका सेट FRP ID के ऊपर आके ठहर जाए, तो आपको मैं एक और लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा FRP ID रिमूव करने का, तो आप उस तरीके से FRP ID को रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। आगे जैसे ही कंप्लीट ऑन होगा सेट, तो मैं आपको मुकम्मल सेटिंग बता दूंगा, ठीक है। आपने वीडियो को कम्प्लीट देख लेना है।